मंडी जिला में गैर कानूनी तरीके के लिंग परीक्षण करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई का मन बना लिया है। डीसी मंडी संदीप कदम का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से लिंग परीक्षण करने और गर्भपात करवाने वालों की शिकायतें प्रशासन के पास पहुंच चुकी है और अब उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मंडी जिला के कुछ इलाकों में अभी भी लोगों के सिर से बेटों की चाहत का भूत नहीं उतर पाया है। भारत सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की तर्ज पर जिला प्रशासन ने मेरी लाडली अभियान को शुरू किया है। हालांकि इस अभियान से लोगों की मानसिकता में काफी ज्यादा बदलाव भी आया है, लेकिन मंडी जिला के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां के लोगों के सिर से बेटों की चाहत का भूत नहीं उतर पाया है। मंडी जिला प्रशासन ने हाल ही में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का एक सर्वे करवाया, जिसमें जिला भर में इसके परिणाम काफी संतोषजनक पाए गए, लेकिन संधोल, लड़भड़ोल, कोटली, नेरचौक और सुंदरनगर के आसपास के इलाकों में अभी भी लिंगानुपात सामान्य नहीं हो पाया है। 0 to 6 years के जो बच्चे हैं उनका डोर टू डोर कैंपेन करके हमने एक सर्वे किया है, जिसके मुताबिक ही सेक्स रेशो में बढ़ोतरी पाई गई है। और इसी के साथ जो एक नोटेबल फैक्ट है वो यह है कि कुछ जो क्षेत्र है मंडी के, उदाहरणार्थ संधोल का क्षेत्र, लड़भड़ोल का क्षेत्र, कोटली का क्षेत्र एवं नेरचौक के आसपास का क्षेत्र, सुंदरनगर के कुछ एरियाज का क्षेत्र, इसमें साधारणतया जो सेक्स रेशो है वो कम पाया गया है, पुअर पाया गया है। मंडी जिला प्रशासन ने इस रिपोर्ट के बाद इन इलाकों में इस बात को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि यहां पर लिंगानुपात सामान्य क्यों नहीं हो पा रहा है। यह वही इलाके हैं जहां से प्रशासन के पास गैर कानूनी तरीके से लिंग परीक्षण करवाने की शिकायतें भी आई है। अब प्रशासन इन इलाकों के उन क्लिनिकों पर कार्रवाई करने जा रहा है जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने में लगे हुए हैं। डीसी मंडी संदीप कदम ने बताया कि इन स्थानों के क्लिनिकों पर पूरी नजर रखी जा रही है और जल्द ही क्लिनिक संचालकों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह जो क्षेत्र है इनके आसपास अभी भी ऐसे कुछ क्लिनिक्स हैं जो कि सेक्स डिटेक्शन का कार्य करते हैं। हमारे पास ऐसी कुछ गुप्त सूचनाएं भी मिलना शुरू हुआ है और ऐसे जो सूचना के बाद जो ऐसे कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर्स है उस पर हम बड़ी करीबी नजर रख रहे हैं और आगे हमने यह प्लान किया है कि हम ट्रैप्स भी लगाएंगे और ट्रैप्स के माध्यम से ऐसे सेंटर्स में छापामारी करके इनको पकड़ने का प्रयास करेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव चेक हम शुरू करेंगे और इनको कड़ी नजर रखते हुए वी विल ट्राई टू ब्रिंग देम टू लॉ। हैरत की बात यह है कि जिन इलाकों में लिंगानुपात गिर रहा है वह काफी शिक्षित इलाके हैं और यहाँ काफी घनी आबादी है। इन इलाकों के लोग अभी तक अपनी मानसिकता को बदल नहीं पाए हैं और कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध करने में लगे हुए हैं। वहीं कुछ क्लिनिक चांदी कूटने के चक्कर में इस जघन्यता में बेखौफ अपना योगदान दे रहे हैं। यह बात ठीक है कि सरकारों और प्रशासन को इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि ऐसे लोगों को पहले अपनी मानसिकता बदलनी होगी, तभी अभियान सफल बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।